महाराष्ट्र के सतारा जिले के माया गांव में जन्मी सावित्रीबाई फुले को भारत की सबसे पहली महिला शिक्षक कहा जाता है। सावित्रीबाई फुले वह महिला थी जिन्होंने भारत में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था। सोमवार को इसी अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने सावित्रीबाई फुले पुष्प माला अर्पित कर उनका अभिवादन किया। भारत में अंग्रेजों के राज में किसी के लिए भी अपने हक की लड़ाई लड़ना आसान नहीं था। जब बात हो लड़कियों की शिक्षा की तो समाज ही इसे ज्यादा महत्व नहीं देता था। हालांकि एक महिला थी जिन्होंने इसके लिए कदम उठाए और भारत की पहली महिला शिक्षिका बन स्कूल खोले ताकि बिना किसी भी तरह के भेदभाव के बच्चे पढ़ाई कर सके। वो कोई और नहीं, भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी। सोमवार को सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने सावित्रीबाई फुले को पुष्पमाला अर्पित कर उनका अभिवादन किया। स्त्री शिक्षण की सबसे पहली शिक्षिका जिन्होंने स्वयं पहले शिक्षण प्राप्त किया और व्यक्ति को शिक्षण दिलाने के लिए अग्रसर रही, उन्हें याद अर्थात स्त्री उत्थान के दृष्टि से ही सर्वप्रथम करना चाहिए। हमारी बेटियों को उच्च शिक्षण मिले इस दृष्टि से शासन की योजनाएं बेटियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सावित्रीबाई फुले इसका मतलब केवल बेटियां नहीं है, लेकिन आज के दिवस की प्रासंगिकता तो यही है कि सावित्रीबाई फुले इनके स्मृति में बेटियों को हम सक्षम बनाएं, बेटियों को हम लोग ताकतवर बनाएं, बेटियों को अपने पैरों पर खड़े रखे और बेटियों को आज की जमाने की स्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में कार्य करें। इस अवसर पर बात करते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि आज के युग में पालक अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मनपा के स्कूलों में भी विद्यार्थियों को अच्छा पढ़ाया जाता है और वो बच्चे मेरिट में आते हैं, जिसके चलते उन्होंने पालकों से अपील की कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। सरकार ने 12वीं तक के बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की है। अब पालकों में एक अलग प्रकार का उत्साह है कि सारे पालक चाहते हैं कि मेरे बच्चे ने कॉन्वेंट में जाकर के पढ़ना चाहिए। यह जो विचार एकाएक लोगों में उत्पन्न हो गया है, यह विचार कहीं ना कहीं लोगों ने टालना चाहिए। मैं गर्व से कहता हूं कि नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बच्चे 90%+ मार्क लेकर के पास होते हैं। पिछले साल के मेरिट में नागपुर महानगर पालिका के 13 बच्चे मेरिट में थे। अगर महानगर पालिका के विद्यालय के बच्चे इस प्रकार से अंक लेते हैं बगैर ट्यूशन के, इसका मतलब वहाँ का शिक्षण अच्छा है। जो मीडिया के माध्यम से गलत प्रचार करके शासकीय स्कूलों को बदनाम करने की कोशिश जारी है, इससे बाहर निकल करके पालकों ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहिए। जिनके आर्थिक स्थिति अच्छे नहीं है उन सभी के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने की है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से भी सावित्रीबाई फुले को अभिवादन किया गया। इस दरमियान बात करते हुए भाजपा महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष नीता ठाकरे का कहना था कि उनका आभार जितना मान सकते हैं उतना कम है, उनकी वजह से ही आज समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है। खरं म्हणजे आज जयंतीचा दिवस आहे, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या तर्फे माल्यार्पण केलं, श्रद्धा अर्पण केली, पण खरं असं आहे की महिलांच्या दृष्टीने जर विचार केला तर त्यांच्या ऋणातून उतराई कसं व्हावं, म्हणजे किती काम करावं महिलांसाठी आणखी, हा खरोखर विचाराचा प्रश्न आहे, अतिशय कठीण प्रश्न आहे। एकूण एक श्वास आम्हा सर्व महिलांचा त्यांनी दिला म्हणून आहे, त्यांच्यामुळे शिक्षण मिळालं, शिक्षणामुळे सर्व इतर सरी दारं उघडी झाली आणि हे वाघिणीचं दूध जर मिळालं नसतं तर महिलांची कुचंबना तुम्हाला मला आपल्या सर्वांना माहिती आहे कशी राहिली असती। त्यांच्यामुळे केवळ आमचं जीवन सुसह्य झालं आहे आणि त्यांचे जे विचार आहे त्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी जे आमच्यासाठी केलं ते पुढल्या पिढीसाठी अधिक ताकदीने आम्ही करावं, ही खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली आहे। बता दें कि सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने वर्ष 1848 में मात्र 9 विद्यार्थियों को लेकर एक स्कूल की शुरुआत की थी। उनकी कोई संतान नहीं हुई और उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र यशवंत राव को गोद ले लिया। इसका फुले परिवार में तीखा विरोध हुआ तो दंपति ने अपने परिवार से संबंध समाप्त कर लिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा टवा, BCN न्यूज़ नागपुर।